Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello children, welcome to online classes of Shivam Convent School, Suklaganj, Unnao. Children, today I will teach you the second chapter of social study of class 3rd. पृथ्वी की भौतिक संरचना. ग्लोब. हमारी पृथ्वी का आकार बहुत विशाल है. हम पूरी पृथ्वी को एक बार में नहीं देख सकते हैं. पृथ्वी को जानने के लिए इसके मॉडल या नमूने का प्रयोग किया जाता है. पृथ्वी के इस मॉडल या नमूने को ग्लोब कहते हैं. ग्लोब पृथ्वी की सही आकृति को दर्शाता है. ग्लोब की सहायता से हम एक समय में पृथ्वी के केवल आधे भाग को ही देख पाते हैं. दूसरा आधा भाग देखने के लिए ग्लोब को घुमाया जाता है. ग्लोब को एक समतल कागज पर चित्रित करते हैं. इसे पृथ्वी का मानचित्र कहते हैं. धरातल. पृथ्वी का धरातल एक समान नहीं है. हम धरातल को दो भागों में बांटते हैं, स्थल भाग और जल भाग. स्थल भाग. आरंभ में पृथ्वी आकर एक गोला थी और इसमें से विकराल लपटें निकलती रहती थी. कुछ समय पश्चात पृथ्वी ने धीरे धीरे ठंडी होकर हरा भरा रूप प्राप्त किया. ठंडा होने से पृथ्वी का ऊपरी भाग बदलता गया. पृथ्वी पर महासागर, पर्वत, पठार तथा मैदानों का निर्माण हुआ. ऊंचे उठे हुए भाग पर्वत और पठार तथा समतल भाग मैदान कहलाए. जल भाग. नीचे धसे हुए जल युक्त भाग को झील और महासागर कहते हैं. भूमि के विशाल खंडों को महाद्वीप और जल के बड़े बड़े क्षेत्रों को महासागर कहते हैं. पृथ्वी के 70% भाग पर जल है तथा 30% भाग पर स्थल है. हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं तथा 5 महासागर हैं. महाद्वीप हमारे 7 हैं. नंबर 1 है एशिया. एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है. नेक्स्ट है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक. महासागर. महासागर हमारे कितने हैं? 5 महासागर हैं. पहला है प्रशांत महासागर. यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है. सेकंड है महासागर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर. नेक्स्ट पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ. इस पृथ्वी की गतियाँ. पृथ्वी पर हम सब एक गति में घूम रहे हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है और सूर्य के चारों चक्कर काट रही है. पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं. एक होती है दैनिक गति, दूसरी होती है वार्षिक गति. दैनिक गति. पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर जो 24 घंटे में पूरा करती है उसे हम पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं. और वार्षिक गति, मतलब वार्षिक गति पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है. पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं. वर्ष में 365 दिन होते हैं. अतः पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति कहते हैं. धन्यवाद.